हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति डायरीज में मैं प्रीति जहाँ आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं पूजा के बर्तन जो है उनको क्लीन कर रही हूँ। सुबह में सबसे पहले मैं जब सो कर उठती हूँ तो चाय पीने के बाद झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद भगवान जी के सारे बर्तन को मैं क्लीन करके रखने के बाद ही मैं कोई दूसरा काम करती हूँ। भगवान जी के बर्तन के लिए मैं पीताम्बरी रखती हूँ जो मैं वीक में 2 बार इस्तेमाल करती हूँ। डेली डेली पीताम्बरी से साफ़ करने से हाथ खराब हो जाते हैं, तो मैं नॉर्मल ये जो लिक्विड विम बार जेल होता है मैं उसी से डेली साफ़ कर लेती हूँ बर्तन, और सिर्फ वीक में 2 बार ही मैं पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ। उससे बर्तन बिल्कुल चमक जाते हैं। ऐसे डेली क्लीन करने पर भी बर्तन हमेशा साफ रहते हैं, लेकिन पीतल के बर्तनों पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि वो साफ़ करने के बावजूद भी काले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मार्केट में बहुत तरह की चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन मैं सिर्फ पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ और कभी कभी मैं वाइट विनेगर से भी साफ़ कर लेती हूँ, तो वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। अंदर तो मैंने मॉर्निंग में ही पूरा झाड़ू लगा लिया था, अब थोड़े कम हो जाने के बाद मैं बाहर की जो सीढ़ी है उस पर भी झाड़ू लगा देती हूँ। डेली नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं 2 दिन के बाद इसमें लगा देती हूँ। सप्ताह में 3 दिन तो मैं लगा ही देती हूँ। ऐसे भी ज़्यादा गंदे तो नहीं होते, फिर भी घर के आगे हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए तो अच्छा रहता है। डेली तो नहीं हो पाता है, लेकिन 1 दिन बीच करके मैं जरूर कर देती हूँ। टप्पू के लिए लंच के लिए मैं बना रही हूँ पोटैटो सैंडविच। ये सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। मैंने लिया है 1 चम्मच ऑयल, मैंने उसमें 1 चम्मच राई के दाने डाले हैं। जब राई के दाने तड़कने लगे तो हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अनियन डाल देंगे, मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में डाला है। उसके बाद मैंने डाल दिए है उबले हुए आलू, और उसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये मैं टप्पू के लिए बना रही हूँ, बच्चे तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। इसमें नमक डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे। मैंने टोमेटो सॉस लिया है, हम ब्रेड पर टोमेटो सॉस लगा लेंगे। अब जो स्टफिंग है उसको रख देंगे। बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्रीन चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे ब्रेड के स्लाइस को ऊपर रख देंगे। अब हम इसको सेकेंगे तवे पर, घी में या बटर में, कोई भी चीज़ से आप सेक सकते हैं। मैं घी में ही सेक रही हूँ, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच को हम तवा पर अच्छे से घुमा देंगे ताकि घी अच्छे से लग जाए। ऊपर से थोड़ा घी लगा देंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर का सैंडविच बनकर रेडी हो गया, और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं वीक में 1 बार इस तरह का पोटैटो सैंडविच टप्पू को लंच में दे देती हूँ। तो यहाँ टप्पू का लंच बनकर तैयार हो गया है और मैं उसे स्कूल ले जा रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। टप्पू को स्कूल पहुंचा कर आने के बाद मैंने घर में पोछा लगा लिया। उसके बाद मैं नहाने चली गई और मैं नहाकर आ गई हूँ। आज मैंने बाल धोए हैं तो मैं उसे अच्छे से गीले बाल में ही कंघी करके उसे अच्छे से सुलझा लूँगी ताकि बाद में वो एक दूसरे से चिपक के ना, क्योंकि मेरे जो हेयर है वो ड्राई है। छत पर बहुत तेज़ धूप है जिसके कारण कुछ ही देर में मेरे हालत ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा धूप बर्दाश्त नहीं होता है। मैं कुछ देर धूप में रह जाऊं तो पूरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है।
जी तो ऑफिस जा चुके हैं। मैं अपने लिए यहाँ सरसों की चटनी बना रही हूँ और ये रहा मेरा सत्तू पराठा। और मैं आज नाश्ता करने वाली हूँ 3 सत्तू पराठा और साथ में ये चटनी सरसों के। तो आप लोग भी आइए। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने पहली बार मीशो से शॉपिंग की है और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। इतना अच्छा प्रोडक्ट है, सेम टू सेम प्रोडक्ट आया है मेरे पास और बहुत ही कम दामों में। मैं मीशो के बारे में कई कई बार सुना लेकिन मैंने कभी भी उससे शॉपिंग नहीं की, लेकिन पहली बार मैंने शॉपिंग की है और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। मैंने उससे वॉल पेंटिंग मंगाई है। एक हम लोग रेंट वाले रूम में रहते हैं और रेंटेड रूम में हम हर जगह उसमें कील नहीं ठोक सकते हैं और वॉल को भी डेकोरेट करना है तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है। आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है इस टाइप की चीज़ें, पर मैंने मीशो से मंगाई है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वॉल पेंटिंग मैंने मंगाई है मीशो से, देखा था बिल्कुल सेम टू सेम, हर चीज़ सेम टू सेम है। इसके दोनों साइड डबल टेप है जो कि वॉल पर आसानी से लग जाएगा। कलर सेम साइज। कम दामों में है, 164 में ये मुझे रिसीव हुआ है और आप लोग भी जरूर मंगाइए। टप्पू सोकर उठ चुका है तो इस टाइम में जब वो सोकर उठता है तो मैं उसको दूध दे देती हूँ पीने के लिए और साथ में मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ। अभी मैं मूंगफली के दाने हल्का फ्राई करूँगी और उसको मुढ़ी के साथ खाऊँगी। चावल को मैंने डिब्बे में डाल दिया और साथ में मैं ये तेज़पत्ता डाल रही हूँ, इससे चावल में कीड़े नहीं लगते हैं, कई महीनों तक नहीं लगते हैं तो मैं हमेशा डाल कर रखती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लाऊँ।